युगों युगों से चल रहा है मेल, ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष आज का राशिफल बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आपको जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि मैं 10 वर्ष की आयु से ही अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रंजन शिष्य जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो कैसे रहेंगे आज आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से आज आपको सावधान रहना है, जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 2 अप्रैल 2020 दिन गुरुवार, चैत्र मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज अष्टमी तिथि मध्यरात्रि 3:40 तक रहेगी और उसके पश्चात नवमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त, जो कि किसी भी कार्य को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, वो दोपहर 12:00 से लेकर 12:50 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 2:00 से लेकर 3:32 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, यदि आप में से किसी ने भी हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल का आइकन दबा के हमारे चैनल की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं और हमारी इन वीडियोस को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपकी सलाह से सबका भला होगा और लोग आपकी तारीफों का पुल बांधते नहीं थकेंगे। आज आपको अपने शौर्य और साहस के प्रदर्शन का भी मौका मिलेगा और आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। यदि आप आज प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील करना चाहते हैं या कोई नया घर या वाहन लेने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। समस्या के लिए उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित तौर पर हमसे कंसल्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी, जिसका उपयोग हमारे द्वारा समय समय पर यज्ञों महायज्ञों के आयोजन करने में, हर मंगलवार और हर शनिवार को प्रसाद वितरण करने में और लड़कियों को फ्री कंप्यूटर एजुकेशन प्रदान करने में उपयोग में आती है। आज आपको किसी हिल स्टेशन या पहाड़ी स्थान की यात्रा करनी चाहिए और अपनी फैमिली को भी वहां पर ले जाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मानसिक चिंताएं कम होंगी और आपका अपने परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल भी बढ़ेगा। मकर राशि वालों, अगर आपकी शादी की उम्र हो गई है और फिर भी आपकी शादी में देरी हो रही है तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित मोती की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। इनका अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो चमत्कारी उपाय जिसे करके किसी भी राशि का जातक भगवान के आशीर्वाद से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकता है। आज आप शाम के समय शुद्ध होकर अपने घर के पास किसी पीपल के वृक्ष के पास जाएं, वहां आप दीप जलाएं और उसके पश्चात आप इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम श्री ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करम भवंतु। मैं आप सभी लोगों के लिए इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम श्री ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। यदि आज आप इस मंत्र का और इस उपाय का श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करते हैं
तो निश्चित तौर पर जो भी मनोकामनाएं आपके मन में हैं, वो अवश्य ही पूर्ण होंगी और आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। मनोज कुमार पांडे। कहाँ रहते हैं आप? मैं वेस्ट की दुबई नगर सरोजी नगर। कहाँ? नई दिल्ली में रहते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप वैसे? मैं पटना बिहार से। आप गुरु माँ रुक्मणी से मिलने कब आए थे? लगभग 3 महीने पहले। आपको क्या परेशानी थी जो आपको गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आना पड़ा? मेरी घरेलू समस्या थी और बहुत हमारे काम धंधे चौपट हो चुके थे, ये हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। तो आप कितने दिन पहले गुरु माँ रुक्मणी से मिलने आए थे? लगभग 3 महीने पहले। तो उन्होंने आपको क्या उपाय बताया? हमारे को कुछ अंगूठियों के बारे में बताया और पूजा पाठ करने का सजेशन दिया और उनके मार्गदर्शन पर चले अंगूठियां धारण किया। कौन सी अंगूठियां दिखाइए? ये हमारे पेट। तो ये अंगूठियां गुरु माँ रुक्मणी जी ने आपको प्रदान की थी। तो कितने दिन आपने अंगूठियां पहनी है कुल मिला के? लगभग 2 महीने। तो 2 महीने पहनने के बाद आपको क्या फायदा हुआ? हमें बहुत फायदा हुआ। आप जो परिवार से दूर थे और हमारे काम धंधा में वो बरकत नहीं हो रही थी। परिवार से दूर होने का मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपनी पत्नी और बच्चों से दूर रह रहे थे? जी हाँ। आपकी पत्नी रूठ कर चली गई थी? जी हाँ। तो अब आपकी पत्नी कहाँ है? अभी हमारे साथ हैं, बच्चों के साथ। अच्छा, आपके पास वापस आ चुकी हैं। और आपका काम धंधा? काम धंधा भी सुचारू रूप से चलने लग रहा है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपको 2 महीने ये अंगूठियां पहनने के बाद आपकी जो भी इच्छा थी, जो भी परेशानी थी, वो पूरी हो गई? हो रही है। चलिए, आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी है, कोई दुख परेशानी है, उन्हें गुरु माँ रुक्मणी जी से आकर के मिलें और अपने दुख दर्द को बताएं और उस उनके कहे रास्ते पे चलें। चलिए, जय शनिदेव। जय। हमारी वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।